प्रोजेक्ट भाई कविराज जी अमृत सराभा हुणी लैके आए ने उन्होंने अणगौले जीवन नू पूरी दुनिया के सामने इस रंगीन पर्दे के उत्ते पूरी दुनिया के विच 3 नवंबर नू फिल्म रिलीज हो रही है सराभा जिथे गदर लहर के इस महान शहीद दीआं कीतीआं कुरबानियां उन्होंने साथियों द्वारा किए गए पूरी दुनिया के विचले संघर्ष नू दिखाया जाना उत्थे ही सानू बड़े माण वाली गल है कि आपां इस नगर दे जंपल हाँ इस नगर दे वसनीक हाँ। सो मैं समुचे साडे नगर वालों पंचायत वालों साडे स्पोर्ट्स क्लब ते बाकी साडे पिंड दे जिन्नियां भी संस्थावां ने उन्हां सारिआं वालों इस सराभा फिल्म की समुची टीम का पिंड सराभा दे विच शहीद करतार सराभा जी दे जद्दी घर दे बिल्कुल नाल पहुँचण ते जिथे उन्हां दा हार्दिक स्वागत करदा हाँ उत्थे ही उन्हां नूं जी आयां भी आखदा हाँ। मैं इतने फिल्म की गल करनी पहुंचे पहला तो सब तो बड़ा सल्यूट है थानू सराभा निवासियों मैनू इतने 8-9 बार आने का मौका मिले जदों भी इतने आने कोई बंदा चाहे साइकिल लेके लंघता कोई तुरया जाता कोई रेड़ा लंघ लेके लंघ रहा कोई ट्रैक्टर लेके लंघ रहा है वह रोक के पुछता है भी तुम बाबा जी के घर चले हो हाँ जी उत्थे चले आज मैं छड के आना सल्यूट है जी थानू तुम बहुत भागों वाली धरती से रहने सो इस तरह यह जज्बा अपने मन के सामभ के रखियो यही जज्बा अपने बच्चों को दे के जायो बच्चों को दस के जायो कि करतार सिंह सराभा कौन सीगा वो साडा कौमी नायक सी साडा असली हीरो करतार सिंह सराभा सी इहो जे लोग सदियों बाद जमदे ने रोज रोज नहीं जमदे सो साडी बदकिस्मती यह है कि साडे कोले फिल्मां वालियां कोले अज किसी गैंगस्टर की लाइफ से फिल्म बनाउण लई पैसे लाउण वाले बहुत लोग ने पर कौमी नायकों की जिंदगी से फिल्म बनाने वाले पैसा लाने कोई तैयार नहीं। सो मैं समझना मैं दिलों ऋणी हाँ कविराज जी का जिन्होंने यहोजी फिल्म बनाने बारे सोचा जिन्ना समा इन्होंने इस फिल्म से लाया 5 फिल्म होर बना सकते सीगे धन्यवाद करदा प्रोड्यूसर साहबान का जिन्होंने अपनी नेक कमाई चो इस गल का तहिया किया कि असी सराभे बारे फिल्म बनानी है चाहे उन्होंने कोई देखे चाहे ना देखे असी अपना फर्ज पूरा करना ये बहुत बड़ी गल है। अज सानू लगता कि असी अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े मकान बना के जाने बड़िया बड़िया कोठियां छड के जानी है बड़े प्लाट छड के जाने हैं असी अपने बच्चों लिए बैंक बैलेंस छड के जाना है नहीं पर जे तुसी बच्चों नू चंगा इतिहास या चंगा माहौल नहीं दे के गए तो थोड़े बैंक बैलेंस कोठियां कारा का प्लाटा का कोई फायदा नहीं वो सारा कुछ खत्म हो जूगा 5-7 सालों के बीच ही। सो ये कौमी नायक साडा सरमाया ने याद रखना जरूरी है अज असी आईलैट्स करके बाहरले मुल्कों नूं भज रहे हैं करतार सिंह सराभा जिन्हां समयां दे विच बर्कले यूनिवर्सिटी पढ़न जांदा है जे अज वांग सोचदा हुंदा उहदियां भी हुण तक लंबर मिलां होणियां उहदे भी हुण तक वड्डे वड्डे प्लाट हुंदे उह भी वड्डा सरमाएदार हुंदा पर नहीं सराभा छोटी उम्र च जाके ये सोचदा कि मैं गुलाम मुल्क विच्चों गया हां ते आजाद मुल्क विच आ गया आजाद मुल्क ते गुलाम मुल्क दा की फर्क हुंदा छोटी जी घटना उहनूं इक टुंबदी है जदों उह कहिंदा जदों सारे बंदे गल करदे ने कि आ साडे मुल्क दा झंडा साडे मुल्क दा झंडा उह भी हथ रखदा उह कहिंदे ब्रिटिश गवर्नमेंट दा झंडा थोड़ा झंडा तां है ही नहीं उहनूं लगदा साडा झंडा ही कोई नहीं गदर पार्टी बणदी है तुहाडे अपने जिले विच बाबा
गुरमुख सिंह ललतों का पिंड है, ये सारे लोग मिलते हैं आपस में, बाबा सोहन सिंह पकना मिलता है, लाला हरदयाल मिलता है, कांशी राम मरौली मिलता है, किन्ने लोग मिलकर एक पूंजी इकट्ठी करते हैं, एक पार्टी खड़ी करते हैं, सिर्फ किदे लई कि असी एक बराबरी का राज पैदा करना है। वो अपनी लिखतां जो सराबे बारे असं पढ़ते हैं उन्होंने लिखतों के लिखते हैं कि सानू वह राज नहीं चाहिए कि गोरे जान ते काले आ जाण, वो कहिंदे सानू बराबरी का समाज चाहिए जिथे साडियां धीआं भैणां खुली हवा च साह लै सकण, जिथे सारिआं लई खुली हवा का प्रबंध होवे, सिक्ख्या का प्रबंध होवे, सानू उह राज चाहिए। वो छोटी उम्र का नायक जिन्हों बाला जरनैल कहा जाता सी, वो इहो जिहियां गल्लां सोचता सी, ये साढ़े बच्चों को कौन दसूगा? अज साढ़े बच्चों को पुछ लो, इन्हों सारे गैंगस्टर के नाम याद ने। क्यों याद ने? क्योंकि एक सिस्टम लग्या होया, वह सिस्टम चाहता है भी तुसी भुल जाओ भगत सिंह कौन है, करतार सिंह साहबा कौन है, गुरमुख सिंह ललतो कौन है, तुसी भुल जाओ। फिल्म की टीम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो भाई मलकीत राणी जी ने साडे नाल विचार सांझे कीते ने, बहुत जानकारी भरपूर शलाघा योग ते बहुत ही वधिया गल्लां कीतियां ने, तुहाडे नाल खुल्ला समा उन्हां ने लिया है ते बहुत वधिया जिहड़ियां गल्लां दी सानू जानकारी नहीं सी, जां आपां समझदे आं कि आपां सराबे दे वसनीक होण करके ना थोड़ा जिहा प्राउड फील भी करदे आं ते थोड़ा जिहा आपां पढ़न लिखाई वाले पासे हुण गहली भी करदे आं भी सानू तां सारा पता ही है, पर मेरे ख्याल दे नाल आपां नूं तां 2-4-5-10% ही पते। साडा भी कनेडा बसदा वा जी किरणपाल गरेवाल, उन्हें साडे नाल प्रोमिस किया कि अपने शहीद करतार सिंह सराबा स्कूल के लगभग 450 बच्चा पढ़ता, 450 बच्चा तो जिन्हें भी 50, 60, 70, 80, 90, 100 चाहे 500 हो जाए चाहे 550 हो जाए, सारे स्टाफ न अपने खर्चे पर फिल्म दिखाई जाऊगी, स्कूल तो लैके जावे मुल टिकटा खरीद के दोबारा उन्होंने स्कूल के छड़ के घरों घरी पहुँचते करा, ये साडा साडे पिंड वालों साडे वीर किरणपाल गरेवाल वालों तुहाडे नाल प्रोमिस है। अज मैं सारे सराबा पिंड का सब पिंड के वासियों का बहुत धन्यवादी हाँ कि तुसीं इन्ना प्यार ते सन्मान ते आए हैं सानूं दित्ता, पर सब नालों ज़्यादा इस गल का मैं शुक्रगुजार करदा कि सानूं तुसीं तीन शहीद दिते, उन्हां च इक उगा शहीद करतार सिंह सराबा दिता, इस करके मैनू मौका मिलया कि मैं फिल्म बनावा एडे बड़े शहीदी इन्ने बड़े लायक इंसान दी जिन्हें कि छोटी उम्र च की कुछ कर दिता, ये साढ़े वास्ते एक एग्जाम्पल है साढ़े बच्चों वास्ते, तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही बड़ी एक इंस्पीरेशन वास्ते है, जिस तरह के करतार सिंह सराबा तो भगत सिंह ऊधम सिंह होर किन्ने देशभगत शहीद इंस्पायर होए इन्होंने सीख्या ये को, उम्मीद है कि अजक बच्चे अजक पीढ़ियां भी यह फिल्म देख के कुछ सीखनगियाँ, उन्होंने मन के आया कि असं भी कुछ जिंदगी करिए, यही मैं कहना कि कुर्बानिया दा कि जाके दो पढ़ो लिखो कुछ बनो, ये 16 साल की उम्र से अमेरिका पढ़न गया से, उत्थे रहन नहीं गया सीगा पढ़न गया से, पढ़ के वापस आना इत्थे कुछ करना अपने मुल्क से कुछ करना अपने पिंड जाके कुछ करना ये सोच के गया सीगा, तो मैं भी चाहता अजकल के बच्चे अगर बाहर पढ़ जाते हैं ये ना सोचो कि मैं सू पी आर मिल जाए कैनेडा च जा अमेरिका जाए कि उत्थे दी सिक्ख्या सीख के आओ वापस आओ अपने पंजाब दे विच वापस आओ इस वतन ते वापस आओ देश वापस आओ इत्थे कुछ बनो तो बनाओ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मलकीत सिंह राणी साढ़े सुपरस्टार ने साढ़े पंजाबी इंडस्ट्री मेरे भाजी ने बड़े बहुत ही वधिया बोले ने, मैनू तां मैं खुद नहीं मैनू इन्ना कुछ पता हले मैं फिल्म बनाई है जिन्ना कुछ नहीं तैनू तुहाडे नाल विचार जिहड़े तुहाडे नाल शेयर किए ने, धन्यवाद तुहाडा भाजी बहुत बहुत। तो अज बहुत ही असी मैं इस गल की माफ़ी मांगदा जगतेज सिंह जिन्हें कि करतार सिंह साहबे का रोल किया अज नहीं है साढ़े चो कैनेडा के प्रमोट कर रहा फिल्म, असी वक्रिया वक्रे मुल्क असी बंड लिया आपस में ही कि तू इतने चल तो मैं इधर फिरदा, पर उन्होंने पिता जी इतने सवंत सिंह, मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ आगे बोलन, तो अमृत तुहाडे पिंड के वासी अपने कैनेडा में रहिंदे ने सराबा ट्रकिंग स्कूल की कंपनी उत्थे बड़ी वड्डी, इन्हें जो मेरे जो असी अनाउंस की फिल्म के असी रिलीज़ कर रहे 3 नवंबर में, इन्हों का मैनू इनकी पता नहीं कितों लभ के मेरा फोन नंबर इन्होंने फोन किया, हाँ जी फिर मैं हर रोज़ इन्हें फोन करके ना मैं दसो मैं की करा, महीना सारा यही गल मैं सुनता रहा कि दसो मैं की करा, तो मैं उन्होंने कहना रहा नहीं कोई नहीं हाले ठहरो मौका आएगा आप ही तेन पता लगेगा तुम्हें की करना है, मैं उन्होंने कुछ नहीं कहा कि करना है, इतना जुड़े ने पता नहीं किन्ने पैसे खर्च चुके ने, मैं इन्होंने पूछा भी नहीं, यही मैनू भी पूछा ना दसिया $1000 खर्च चुके ने फिल्म के उत्ते, हाँ जी सच्ची गल है वो
ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, बहुत बहुत धन्यवाद है जी कविराज जी का, सारी टीम का, जिहड़ा कि इन्होंने 5 साल ला के रिसर्च करके पूरी करतार सिंह सराभे बारे मूवी बनाई है जी। सराभा जो सराभा सी उन्हूं दिखाउण दी लोड़ सी, उह एक कविराज जी दिखा सकते सी, होर कोई बंदा नहीं दिखा सकता सी। जे छोटे बजट की मूवी होंदी, हरेक बंदा पैसे बनाउणा चाहुंदा, पैसा लोड़ भी है सब दी, सब नूं चाहीदा, पर कई आपां जिंदगी आपां नूं रब ने दित्ती है, कई साडे फर्ज ने जो सानूं निभाउणे चाहीदे ने। सो कविराज जी ने 5 साल ला के जिथे जिथे करतार सिंह सराभा गया, जिथे जिथे गदर पार्टी नाल जुड़िया, की उन्हें काम किए, वह सारा कुछ हू बू हू मूवी दे विच दिखाया। सो जरूर पैसे कमाओ, काम करो, पर नाल दी नाल अपने फर्ज भी निभाओ, सारे नूं निभाउणे चाहीदे आ। बब्बू मान दा गीत आया, आपां सारे ने सुनिया वी भगत सिंह आ गया, सराभा कित्थे रह गया। सो सराभा किते नहीं जी, सराभा इत्थे ही आ, सराभा सारिआं दे दिल विच वसदा आ, सराभा आ रहा आ। सारे जाने 3 नवंबर नूं जिथे भी तुहाडे नेड़े जिहड़ा भी थिएटर सिनेमे च मूवी लगदी है देखो, ताकि आपां इह जिहीआं मूवीआं देख के करतार सिंह सराभे नूं एक सच्ची श्रद्धांजली दे सकीए। करतार सिंह सराभा अमर रहे, शहीदो तुहाडी सोच ते आराध्यां दे ठोके, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की होंगी है, इन्होंने किन्नी मेहनत की है मूवी करन लई। मैं इन्होंने एक वादा करदा कि दुआबे च मैं आ जा रहा हूँ वापस, मैं दुआबे च भी ये पिक्चर हिट कराऊंगा, तो मैं वादा करता इन्हों देखो मालवा अभी देखते दुआबा, क्योंकि 1 तरीक तो गदर का उ शुरू हो रहा है साढ़े जलंधर च, 1 तरीक न हर साल होंगे देश भगत उस होंगे, असा ये पक्का इन्हों के कारण असं अज इतने हाँ। अज मेरे पिंड का ना है हर थान पर, ऑल ड्यू टू दैम। आई विश मैं प्रे करता वाहगुरु में ये पिक्चर ऐसी हिट हो कि दुनिया यार रखे, कल साढ़े बच्चे ना कोई नशा खावे, पढ़ाई होशियार बनो बाबा जी वांगू, पढ़ो बच्चो पढ़ो, इन्ना इंटेलिजेंट इन्हें कोई एक बार फौजी ने ट्रैवल कर रहा सी, दस्या नहीं किसी ने, एक ट्रेन चली सी उच्चों, इन्हें वह हौलदार जंदर पहुंचने तक दसता सी कि तेरे हथियार कैसे असीं लवांगे, ये वो इंटेलिजेंट बंदे सी, ये पढ़ाई और साफ सुथरे रहो, छड़ दो ये पिंड बहुत तरक्की कर सकता है, नाम है ना बदनाम ना करो, ये पिंड लैके आओ, ये पिक्चर सुपरहिट होगी सुपरहिट। श्री मलकीत रौणे जी, सो इन सारिया ने बहुत बड़े सहयोग दिते ने इस फिल्म बनाने दे विच, इस दे नाल ही इस फिल्म दे डायरेक्टर राइटर ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਫਰਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।